क्या आप भी करना चाहते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट, लेकिन कौन सी योजना में, कौन सी स्कीम में पैसे को लगाए और कैसे पैसा आपके पास आएगा? कई कोई रिस्क तो नहीं है। अगर हम प्राइवेट कंपनीज में जाएंगे तो ऐसे में रिस्क तो होगा, लेकिन अगर हम सरकारी किसी कंपनी में जाएंगे तो ऐसे में रिस्क के चांसेस कम है। ऐसे ही हम आपको बताएंगे डाकघर की एक स्कीम के बारे में। डाकघर की इस स्कीम का नाम है मासिक आय योजना। मासिक आय योजना, अब आपने जैसे ही नाम सुना आपको पता चल गया होगा कि इसके अंतर्गत आपको हर महीने रुपए मिलेंगे। अब रुपए कैसे मिलेंगे, क्या करना होगा, योजना क्या है, कहां से आपको खाता खुलवाना है, कैसे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कितने करने हैं, ब्याज कितना मिलेगा, कितने रुपए मिलेंगे, ये तमाम सारी जानकारियां आपको इस छोटे से वीडियो में देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे अवश्य दबाइएगा। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी बनता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये एक इन्वेस्टमेंट योजना है। इन्वेस्टमेंट योजना है मतलब आपको कुछ रुपया इन्वेस्ट करना होगा, उसके बाद आपको उसी का ब्याज हर महीने मिलेगा, यानी कि एक मासिक आय के रूप में इस योजना को देखा जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत आपको 6.6% प्रति वर्ष आपको दिया जाएगा। मासिक जो भी ब्याज है वो इस प्रकार से होने वाला है। अगर हम बात करें कि कितने रुपए आपको जमा करवाने पड़ेंगे, तो 50,000 से लेकर 4.5 लाख रुपए हो सकते हैं, लेकिन 9 लाख रुपए भी जमा करवाए जा सकते हैं। स्पेशल केस में 9 लाख रुपए जमा करवाए जा सकते हैं, वो आप कैसे करने वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डाकघर में खाता खुलवा लेना है, उसके बाद ही आप इस योजना का फायदा ले पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत आप मिनिमम 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सिंगल खाते के लिए है। अगर आप संयुक्त खाता खुलवाना चाहते हैं, यानी कि 1, 2 या फिर 3 लोग एक साथ हो सकते हैं साझेदारी में, तो फिर आप 9 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। अब होगा क्या कि इन रुपयों का आपको एक ब्याज मिलेगा, ब्याज हर महीने मिलेगा, और ये जो ब्याज है वो किसी भी बैंक की एफडी से ज्यादा ही होने वाला है। ऐसे में रिस्क कम है, फायदा ज्यादा है। सीधी सी बात है, रिस्क कम है, फायदा ज्यादा है। तो ऐसे में आपको इस योजना में अगर आप चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बता दें, आप जैसा कि हमने आपको बताया 50,000 से लेकर 4.5 लाख रुपए तक एकल खाते के अंदर रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ब्याज मिलेगा, ब्याज आपको हर महीने की एक तिथि को मिल जाएगा, और जो भी रुपए हैं वो 5 साल के बाद आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप अभी 50,000 रुपए इस योजना में जमा करवाते हैं, तो जो 50,000 रुपए हैं उनको आप फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखने वाले हैं 5 साल के लिए। 5 साल के बाद वो 50,000 रुपए आपको मिल जाएंगे और हर महीने जो ब्याज मिलेगा वो अलग से। अब अगर आप इस योजना को बीच में बंद करना चाहते हैं, तो पहले वर्ष के बाद यानी कि 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच में बंद करते हैं, तो ऐसे में 2% कटौती की जाएगी। 50,000 रुपये बरतते हैं तो ऐसे में 2% उसमें से रख लिए जाएंगे और बाकी के रुपये आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में इस खाते को बंद करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में जो भी राशि है उसका 1% रखा जाएगा, यानी कि 50,000 का जो 1% है वो बैंक रख लेगा और बाकी रुपये आपको दे देगा। अब परिपक्वता की बात करें यानी कि मैच्योरिटी, तो 5 साल के बाद ये मैच्योर हो जाएगा और उसके बाद रुपए निकाल सकते हैं आप। पूरे के पूरे जो पैसे आपने जमा करवाए इस योजना के अंतर्गत वो वापस ले सकते हैं। अब अगर बात करें कि आपको इस योजना के अंतर्गत फायदा कितना मिलेगा, यानी कि अगर आप 50,000 रुपए इस योजना में जमा करते हैं तो ऐसे में आपको कितने रुपए मिलेंगे, और अगर आप 4.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो ऐसे में आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो अगर आप मान लेते हैं कि 4.5 लाख रुपए जमा करवा देते हैं, तो ऐसे में आपको हर महीने 2,475 रुपए मिलेंगे, और अगर आप मान लेते हैं कि 50,000 रुपए ही जमा करवाते हैं, तो ऐसे में आपको 275 रुपए मिलेंगे। वो तो आपको कितना इन्वेस्ट करना है उसके आधार पर है। अगर आप 4.5 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो ऐसे में 5 साल के बाद में जो ब्याज होने वाला है वो है 1,48,500, यानी कि एक बड़ा फायदा इस योजना के अंतर्गत होगा। आप अगर अन्य किसी बैंक में एफडी करवाना चाहते हैं तो इस स्कीम को प्रिफर किया जा सकता है। तो इस योजना के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर आप अन्य कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। ऐसी स्कीम्स के बारे में
चाहे वो डाकघर की हो या फिर किसी अन्य बैंक की, क्योंकि ऐसी स्कीम जिनमें आपका फायदा हो वही हम आपको बताते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, अभी भी वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है तो उसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।